नमस्कार, मेरा नाम गौतम सिंह है। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि गुजरात राज्य में एपीएमसी अहमदाबाद में 155 जनों की भर्ती हुई थी। उस भर्ती में गुजरात सरकार को लगा कि इस भर्ती में विज्ञापन दिए बगैर डायरेक्ट भर्ती हुई है, तो उन्होंने उस भर्ती को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो मेरा कहना यह है कि वैसे ही सेम टू सेम उसी वैसा ही मामला गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में गुजको मासोल बोलते हैं, जिसकी ऑफिस नवरंगपुरा आश्रम रोड पे है। नवरंगपुरा में उसकी ऑफिस है। तो उन लोगों ने बिना विज्ञापन दिए हुए 80 लोगों की भर्ती की है, लगभग 80 लोगों की है, और उनमें से सबको डायरेक्ट ही कंफर्म कर दिया है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो 150 जनों को आपने निकाला है, 155 जनों को, तो फिर ये 80 जनों को भी आपने क्यों रखा है? तो मेरी विनती ये है विजय रूपाणी, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि आपका ये राज्य है, आप इस राज्य से आते हैं, तो वहाँ पे इतना बड़ा घपला हो कैसे रहा है? तो वो जो भर्ती है गुजको मासोल की, वो रद्द की जाए, ऐसी मेरी मांग है। और ये होने से अच्छे लोग विज्ञापन देके भर्ती करेंगे, तो अच्छे लोगों की भर्ती होगी और गुजरात राज्य में लोग जनता का और जो फार्मर्स है उनका भला होगा। जय हिंद, जय भारत।